गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो? आई हो अच्छे ही हो गए। रोज डेली की तरह अच्छे हो गए, जैसे मैं अच्छी हूँ आप भी अच्छे हो गए। और आपको पता है, जैसे कि और डे की तरह सारा काम हो चुका है मेरा, और मैं बैठी हूँ फ्रूट्स लेके। फ्रूट्स और ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों टेस्ट नहीं है, बट मैं खा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये पीहू जा रही है स्कूल। एक्चुअली इनका आज रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है और बुक्स मिलने वाले हैं। बुक्स का कंफर्म नहीं है क्योंकि कल ही पेमेंट हुआ, तो पेमेंट के और मैंने उधर दाल भी रख दिया है, दाल भी बन रहा है और वो काम कर भी लिया है मैंने। अभी ये लोग सो के उठे, दोनों अभी सो के उठे, मेरा काम हो चुका था अभी तो। मैं दाल तक भी सिर्फ चावल बनाना है। दे दो तो ऐसे कूदेगा ही ना वो तो। फेंक दो खराब। नवीन किचन में करके आ रहे हैं क्योंकि मैंने तो खाना बना लिया था। नवीन क्या कर रहे हैं ये देखना है मुझे। नवीन यहाँ पे नागली का पापड़ तल रहे हैं, है ना नवीन? जो कि बहुत पसंद आता है हमें, तो बहुत पसंद है नागली के पापड़। और ये नागली के पापड़ नासिक में, मतलब महाराष्ट्र में ही मिलता है, अदरवाइज कहीं नहीं मिलता है। मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट। और हाँ, चावल भी बन गए। प्लेटिंग करूँगी, खाना खाऊंगी क्योंकि भूख लगी, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था। ये लोग चले गए थे सुबह में तो ब्रेकफास्ट हुआ नहीं, तो मैंने तो यहाँ पे मैं दरी बिछा लेती हूँ खाना खाने के लिए। चलो खाना खाने, बिल्कुल आ जाओ। नांगली का पापड़ जो कि हमें बहुत पसंद है, और चावल दाल चोखा हमारे घर का फेवरेट है, सबसे ज्यादा मुझे पसंद है और नवीन को भी बहुत ज्यादा पसंद है। अपने लिए बाउल लेना, तुम बाउल में खाती हो ना। मस्त बना है, चावल ला रहे हैं करे सबकी सारी दुनिया जानी है, सांवरिया है से ना अन्न की कमी है ना धन की कमी है, भरो भंडार है दिलदार राजा जो दिलदार सांवरिया लुटाते
नहीं देर करे मैं कर दूं करूं सबकी नारी है सांवरिया है से सांवरिया है गरम था सेठ मारी राधा जी से ठानी है तो सारी दुनिया जानी है सांवरिया और लिक्विड दूं बहुत हो गया बस हो गया था तो ये वन बाइट आपके लिए और उसके बाद ये बाइट मेरे मुंह में जाएगा मस्त बना बहुत अच्छा बना दाल का रेसिपी बार बार सेट करता हूँ क्या डाले हो तुम टमाटर और सॉस होते हैं टमाटर सॉस थे उसी दम से खा जाता है फिर डालने का था ना इसमें ये आता है क्या बोलते हैं उसको मॉइस्चर आता है तो मैंने खा गया नमक मिर्ची का तो कोई काम ही नहीं है अच्छा खाना सादा खाना चावल दाल चोखा यहाँ पे सारे कागज पत्र निकाल के कुछ तो चल रहा है क्या चल रहा है पता नहीं डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली पासपोर्ट के लिए जा रहे हो ना डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा कर रहे हो इधर उधर सब पड़ा हुआ था पासपोर्ट में क्या प्रॉब्लम हो गया है कि पीयू के डेट ऑफ बर्थ पे मेरा रिशु पांडे लिखा गया है और ऐसे मेरा जो भी सर्टिफिकेट है स्कूल के उसमें जरूरी रियल नेम है वो लिखा गया है तो यही प्रॉब्लम हो रहा है तो उसकी वजह से कोर्ट जाना पड़ेगा ना उसकी वजह से कोर्ट जाना पड़ेगा तो आज सैटरडे है तो अभी निकलेंगे काम कर रहे निकलेंगे और मैं भी थोड़ा खाना पीना तो हो गया तो मैं भी थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि सुबह से ना काम कर करके थक जाती हूँ मैं सुबह से बिल्कुल काम करके थक जाती हूँ तो सोच रही थोड़ा सा आराम करूँगी इनको जाने के बाद ही नीचे गद्दा डालूँगी क्योंकि गद्दा तभी है गद्दा हम लोग सुबह सुबह उठ के धूप में डाल देते हैं फिर सोते वक्त कभी आज तो बहुत जल्दी डालेंगे नहीं तो हम 3-4 बजे ही डालते हैं 3-4 बजे लेटते हैं जब फ्री हो जाती हूँ तब मैं करती हूँ तो आज घर पे हैं तो तब डाल के आराम लेटूंगी मैं थोड़ा सा लेटूंगी चलो मिलती हूँ मेरे पास रेस्ट करने के बाद से मिलूँगी 2-3-4 बजे ही मिलूँगी थोड़ा आराम करूँगी शक्कर डाल दो तुम मैं शक्कर नहीं डालूँगी ना गुड़ डाल दो गुड़ डाल दो ना मैं नमक वाला ले लूँगी तुम लोग शक्कर डाल दूँगी ना ठीक है यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी घर की लस्सी नवीन गया थे बाहर कौन बना किया बताओ तुम बाद में बताओ लस्सी बना लूंगा ये बन गया मेरा लस्सी
मैं एक गिलास अपने लिए निकाल लेती हूँ बिकॉज में क्योंकि मैं नमक वाला पीऊंगी जिसमें नहीं है और तुम दोनों ले लो धोई हूँ। चलो चलते हैं, ये लो लस्सी पी रहे, लस्सी का मजा उठा, लुफ्त उठाते हो। नहीं ऐसे उल्टा रखा था ना ये कैसे बने? इसके लिए बोला थोड़ा बनाओ। हाँ वैसे कब से रखा हुआ था? लस्सी पी लिए, अभी ब्रेक देते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। सारे डॉक्यूमेंट सही हो गए हैं। खाली यहाँ पर साइन कर देना तुम्हारा। सलामी भी छोड़ने के बाद ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट सही हो गए, जो कि नाम का हेर फेर था। मिल्क और कुकीज खा रही है और हम लोग चाय पी रहे हैं। नवीन कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम है जो हम नहीं दिखा सकते, कुछ काम कर रहे हैं। और इसके बाद में बर्तन धोऊंगी। आप लोग बोलोगे रोज रोज ब्लॉग में यही दिखाते हो, बर्तन धोऊंगी, खाना खाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, क्या करूँ, अभी नहीं जा सकते तो यही दिखाऊंगी। जाना तो था, प्लान तो बहुत अच्छा था, बट कुछ नहीं, कोई नहीं,
होता है, हो सके तो आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आए, सरप्राइज मिले आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आए। देखते चाय पी के मिलते डॉगी को खाना देने, और आपको दिखाती हूँ मैं खाना क्या क्या देती हूँ, हमेशा चेंज करके ही देती हूँ, लाइट बंद करके रखती हूँ, बहुत बिल आता है। तो सुबह मैंने जो मॉर्निंग मील में जो दिया था रसमलाई और चावल, रसमलाई ही था, चावल थोड़ा कम था। अभी मैं इसको टोस्ट दे रही हूँ, टोस्ट को रखी हूँ, अब इसमें दूध डालूंगी क्योंकि ना बहुत आँच से आपके घर पर एक छोटा सा जो जानवर भी होता है ना, ये दूध दूध और टोस्ट तो वो आता है, कुछ तो सोचता है तभी आता है, सबके गेट पे नहीं जाता, वो सबके गेट पे नहीं जाता है। तो आप तो सोचो आप कितने किस्मत वाले हो जो आपके घर पे वो आ रहा डॉगी और आके बैठा ही रहता है। इसको मैं भिगा देती हूँ, रुको भिगा दी कितने सारे टोस्ट, अब मैं इसको देने जाऊँगी, चलो दिखाती हूँ, देती हूँ। ओहो सॉरी, नवीन बाहर से गेट लगा कर गए हैं, कोई नहीं आते हैं फिर कर। ये हमारे घर के जैसा हो गया, दूध है, टोस्ट। इसने आज तक कभी रोटी खाई ही नहीं, खाता ही नहीं, हमेशा दूध पनीर मलाई ये सब खाता है। देखो चावल नहीं खाएगा, चावल छोड़ दिया, चावल नहीं खाएगा छोड़ दिया, और टोस्ट और दूध खा रहा है। वो हायर स्टैंडर्ड डॉग है मैम, सुनो, देखने से तो नहीं लगता हाई स्टैंडर्ड डॉग, पर खाने से तो है ना। आज तक रोटी नहीं खाई उसने, खाने से तो लगता है ना। आज तक कितनी रोटी दिखाया क्या एक भी? हाई स्टैंडर्ड डॉग है पर है। ये रहा नूडल्स जो कि हमारे पड़ोस से आया है, ये बना के नूडल्स हो दिए, बहुत ज़्यादा दे दिए क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं, वो खाएगा नवीन थोड़ा बहुत खाएंगे, पीहू आ रही है और पीहू खाएंगे, इस पर टूट पड़ेंगे, मुझे नहीं लगता इसके बाद वो खाना भी खाएंगे, इसके बाद ये नहीं खाएंगे, तो पोहा मैं ही बनाऊंगी अपने लिए। कैसा बना? चटपटा, बहुत मस्त। चटपटा बना? बहुत मस्त। जैसे मैदा वैदा बना है ना, तो इसलिए मैं नहीं खाती। तो इनका तो रात का काम हो गया, अब बची मैं, तो मैं पोहे खाऊंगी, और नवीन खाना पड़ा हुआ दिन का, उनको चावल दाल बहुत पसंद है, तो चावल दाल उनका पड़ा हुआ है तो उनका हो जाएगा, और बस हो जाता है यार। आसपास में हमें सब अपना बोलते हैं बिहेवियर बना के रखना चाहिए, उन लोग वो लोग भी मुझे बहुत करते हैं हमेशा, आप लोग ब्लॉग में देखते भी हो, हमेशा वो लोग करते हैं हमें, तो ऐसे लोगों से हमेशा, ऐसे लोगों के जैसे भी हो बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी रिलेटिव है दूर दूर है तो सुन के आएंगे, या सुख में हो या चाहे किसी चीज़ में भी हो, लेकिन पहले किसी को, मेरे नहीं किसी, आपके भी पड़ोसी, किसी के भी पड़ोसी पहले वही आते हैं, तो उनके साथ हमेशा अच्छा बनाना चाहिए। अगर उनकी कोई बात आपको बुरी भी लगे तो थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हमें वो रिश्ता बनाना है। हाँ, बार बार हो तो नहीं, लेकिन बट एक बार दो बार हो तो उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, तभी रिश्ते हमारे चलते हैं। आप हर टाइम पर किसी का मजाक बनाओगे तो रिश्ते कभी नहीं चलते हैं। एक बार वो इंसान इग्नोर करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा रिश्ता बचाने के लिए, बार बार करेगा तो वो चीज़ अच्छा नहीं होता है। तो देखो अच्छा है, हमारे पड़ोसी तो बहुत ही अच्छे हैं, जो हमें सब कुछ ना कुछ बना बना देते रहते हैं, और पीयू का टम्मी फुल बिकॉज नूडल्स बहुत ज़्यादा है। सो पोहा मेरा खिड़किया के दरवाजे से खाते हैं बच्चों की तरह, वो दीवार से ले करके, और ये मेरा पोहा और पीयू नूडल्स खाया तो अब खाए ही नहीं, तो मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ, थोड़ी सी बातें करनी है आप लोगों से। चलो ठीक है।